भी कहता था कि अगर मैं दोबारा गरीब हो जाऊँ तो मैं दोबारा अगर मील इसी स्टेज पर आना चाहूँ तो इसी मुर्गियों का कारोबार करूँगा। ये कारोबार भी करना हो तो ये अच्छा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत का जिन्हें गरीबों ने सहूलत दी, तो इन्हों की परवरिश असी करा और इन्हों की अच्छी खुराक होगी, अंडे दें तो साढ़े बच्चे भी सेहतमंद और होंगे। किचन का फायदा है ठीक है, मगर पहले नवा काम कोई नहीं। प्रोग्राम तो अपने घरों में अपनी मुआशी हालत को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी मसरूफियत भी बेहतर कर सकती हैं ये खवातीन, और अपने बच्चों के लिए ये अच्छी खुराक का इंतजाम भी कर सकती हैं। जो कल तक भारत पर बम दागने की धमकी देते थे, जो कल तक भारत में बम दागने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। जानवरों का असूल है कि वे सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, मगर पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश केवल खाने के लिए जीती है। इसी खाने की ललक ने इनके बाजे बजा रखे हैं, या यूं कहे कि भीख मांगने के बाद भी इनके एल्यूमिनियम के कटोरों का जंग अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि इस देश में खाने का संकट सबसे ज्यादा है। यहाँ गेहूं, दाल, सब्जियां, दूध चीन के दामों पर हाहाकार मचा हुआ है। यानी तैमंद हासिल ना हो या सलवार ना मिले, पर जाहिलों को खाने में बिरयानी जरूर मिले। पर यह मुल्क तैमंद और सलवार फ्री होने के साथ ए टू जेड ही फ्री होने जा रहा है। अब ताजा संकट चिकन और अंडों को लेकर पैदा हो गया है। मस्जिद के कंगूरे पर बैठकर पहली बांग लगाने वाला मुर्गा लापता है। अब मुर्गा लापता है तो अंडे गायब हो जाना लाजमी है। तैमन से लेकर टोपी तक मुर्गे की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। परंतु पिछले एक हफ्ते से गोश्त के दामों में आई अभूतपूर्व तेजी ने इनके बर्तन भांडे खड़का दिए हैं। वह भी तब जबकि साल 2018 में इमरान खान ने इन्हें मुर्गियां पालने और उनके अंडे बेचने का फलसफा समझाया था। यानी इस दूरदर्शी लोंडे की सोच पहली बार जाहिलों के जेन में खरी उतरी होगी। अगर वक्त पर मूल मंत्र समझा होता तो आज बेगम खाली पतीला उठाकर मुल्ला जी के पीछे दौड़ नहीं लगा रही होती। पाकिस्तान में चिकन में अप्रत्याशित तेजी से मदरसा मुल्क खलकान हो रहा है। यहाँ एक किलो चिकन का रेट 500 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि जिंदा मुर्गा 400 रुपए के पार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रावलपिंडी जैसे शहर में मुर्गे के अंडे 350 रुपए प्रति दर्जन पर पहुंच गए हैं। भारत में 60 रुपए किलो बिकने वाला अदरक पाकिस्तान में 1000 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। भारत में मुर्गी का अंडा थोक मूल्य में 4 रुपए से भी कम है। इंसा अल्लाह बोलकर मदरसा जमात को मूर्ख बनाने और भारत के नाम पर जाहिलों को दया नृत्य सिखाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान इस महंगाई की ओर से लगभग आंखें मूंद चुके हैं। जब भी घरों में खाली पतीले खड़कते हैं, लोंडा कश्मीर का राग अलाप कर उसके शोर को दबा देता है। पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान की जाहिल गरीब जनता इमरान की इसी नौटंकी का शिकार हो रही है। इस मुल्क ने महंगाई के तमाम कीर्तिमान चूम लिए हैं। चिकन और अंडों के दामों में आई तेजी के पीछे भी नए बहाने गढ़ लिए गए हैं। मुर्गे के मीट के दाम बढ़ने के पीछे चारों ओर कच्चे माल की कीमतों की दुहाई दी जा रही है। बताया जाता है कि इसी वजह से पोल्ट्री के उत्पादों की लागत बढ़ गई है, जिसके बाद विक्रेता संघों ने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मीट के दाम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि पोल्ट्री के लिए कच्चा माल और चारा एक वक्त भारत से ही पाकिस्तान को निर्यात होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत से जिंदा चिकन और गोश्त भी पाकिस्तान को जाता रहा है। इससे पाकिस्तान में मीट के दाम स्थिर बने रहते थे। यहां तक कि कई बार तो भारत से भी सस्ता चिकन पाकिस्तान में हो जाता था। मगर 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगभग बंद है। तब से लेकर पाकिस्तान में हर वस्तु के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। हालत यह है कि 4 से 6% पर रहने वाली महंगाई दर आज सरकारी आंकड़ों में 11% से ऊपर बताई जाती है, जबकि गैर सरकारी आंकड़े तो इसे दुगने से भी ज्यादा बता रहे हैं। पोल्ट्री उत्पादक संगठनों ने पाकिस्तान सरकार से भारत से माल मंगाने के उपाय तलाशने की गुहार लगाई है। इन विक्रेता संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो अगले कुछ दिनों में कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा। वैसे भी पाकिस्तान के आवाम की पहुंच से अब चिकन दूर हो चुका है। यहाँ दैनिक मजदूरी औसतन 600 पाकिस्तानी रुपए है, परंतु देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाने से सारे काम धंधे ठप पड़ गए हैं, जिसकी वजह से रोजगार लगभग खत्म हो गए हैं और बेरोजगारी दर 8% से ऊपर हो गई है। ऐसे में तेजी से बड़ी महंगाई का असर हर पाकिस्तानी के ऊपर हुआ है। पिछले महीने प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में बढ़ती मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बाजार समितियों को भंग कर दिया था। इन दोनों ही प्रांतों से मिस गवर्नेंस और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, मगर इससे हालात सुधरने की बजाय अब और ज्यादा बिगड़ गए हैं। वजह यही है कि माल की आपूर्ति कम हो रही है, जबकि मांग दोगुनी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान द्वारा ईरान, रूस और तुर्की से भी आयात किया गया है, मगर कोरोना काल में शिपमेंट ढुलाई भाड़े में 1.5 गुना वृद्धि से चीजें और ज्यादा महंगी पड़ रही है। पिछले साल नवंबर में रूस से गेहूं आयात किया गया था,
किंतु उसके दाम पाकिस्तान में मौजूद गेहूं से भी ऊपर आए हैं, जिसके बाद गेहूं के दाम 60 रुपए प्रति किलो से 65 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। मजे की बात यह है कि पिछले साल ही भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन और लेबनान को 40,000 टन गेहूं का इमरजेंसी निर्यात किया है, जिसका निर्यात भारत रुपए में 24 रुपए किलो की दर पर किया गया है। उस वक्त पाकिस्तान के आयातक सरकार पर भारत से गेहूं लेने का दबाव बढ़ा रहे थे, मगर पाकिस्तान को डर था कि भारत ने इनकार किया तो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान ने रूस से गेहूं खरीदकर सरकारी खजाने पर और ज्यादा बोझ डाल दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में और अधिक महंगाई बढ़ गई। भारत ने अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान ही चावल, मांस, दुग्ध उत्पाद, खाद्य पदार्थ, पोल्ट्री और जैविक उत्पाद जैसे सभी प्रमुख उत्पादों का निर्यात शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के विक्रेता संघ नवंबर 2020 से ही सरकार से पोल्ट्री उत्पादों के आयात का मार्ग प्रशस्त करने की गुहार लगा रहे हैं। भारत से आने वाले पोल्ट्री उत्पाद बेहद सस्ते होने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। दोनों देशों की जमीनी सीमा एक दूसरे से लगने के कारण परिवहन लागत भी कम आती है, मगर इमरान लोंडा इंशाल्लाह का नारा लगाकर कश्मीर कश्मीर चिल्लाने में मशगूल रहा है। सरकार समय पर नहीं चेती और चिकन का महंगाई बम फूट गया। बेगम एहसास प्रोग्राम के तहत मिली भीख को कोठरियों में तलाशती फिर रही है, मगर जाहिल पाकिस्तानी पहले ही उसकी मटर बिरयानी डकार चुके हैं। मुर्गों की दौड़ इस्लामाबाद की कोठियों तक रह गई है और अंडे का फंडा चटोरी मदरसा पैदाइश की समझ से बाहर है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना से लेकर श्रीलंका में भारत से रिश्ते सुधारने के बयान देने वाले इमरान खान अब अपने मुल्क के हालातों को ठीक करने के लिए बातचीत की फरियादें लगा रहे हैं। लोंडे को एहसास हो चुका है कि बगैर भारत से रिश्ते ठीक किए पाकिस्तान महंगाई के झंझावात से नहीं निकल सकता है। अगर यह तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा लंबी खिंची तो पाकिस्तान की मुश्किल और ज्यादा बढ़ेगी। इस बातचीत के रुकने से पाकिस्तान रावी चिनाव और सिंधु नदी के पानी पर भी बात नहीं कर पा रहा है। रावी नदी की हालत तो यह है कि वह पाकिस्तान में आधे से ज्यादा सूख चुकी है और कीचड़ के गड्ढे में तब्दील हो गई है। भारत की ओर से पाकिस्तान जाने वाले पानी में लगातार कमी आ रही है। यह स्थिति बनी रही तो देश में पानी को लेकर मारामारी होना तय है। साथ ही सब्जियों, दालों और दवाइयों की कीमत भी आसमान छू रही है। ऐसे में इमरान सरकार पलटी मारकर बातचीत कर रागल अपने पर उतर आई है, मगर बावजूद इसके मोदी सरकार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत जानता है कि पाकिस्तान के हालात बेहद बुरे दौर में पहुंच गए हैं। इस स्थिति में चीन के पास भी मदद के ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए भारत पाकिस्तान को उस स्तर तक ले जाना चाहता है जब भारत की शर्तें मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की बातचीत की अपील पर भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी नीति को नहीं त्यागता, उससे बातचीत करने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।